तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको तीन ताल का एक कायदा बताया था। तो उसी वीडियो में मैंने एक न्यू अपडेट भी आपको दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आप नीचे हैशटैग अभय करके अपने क्वेश्चंस लिखे कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपके वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे तो बिल्कुल मैं संडे के दिन एक न्यू वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और उस वीडियो के अंदर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दूंगा। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं और जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी लगा कि इनके ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो गाइस देखिए, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी बिल्कुल नीचे हैशटैग अभय करके आगे अपना क्वेश्चन लिखिए, तो हो सकता है अगले संडे को आपका सवाल भी पिक हो जाए। तो गाइस तीन क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, उन तीनों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए, जो पहला क्वेश्चन था वो पहला क्वेश्चन था हमारे विनोद गोयल जी का। जो विनोद गोयल जी हमारे लिखते हैं कि सर, कोई भी पिकअप बजाने के बाद जब ठेका बजाते हैं तो उसकी शुरुआत अलग करते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। एक तो इनका ये क्वेश्चन है और दूसरा इनका जो क्वेश्चन है वो है कि जब ता लगाकर पैटर्न को चेंज करते हैं तो ता चल रहे पैटर्न की कौन सी मात्रा पे लगना चाहिए, मीन्स उस ताल की कौन सी मात्रा पे अपने को ता लगाना है। तो देखिए, इन दोनों सवालों के मैं जवाब अभी आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो पिकअप के बारे में इन्होंने पूछा है कि पिकअप लगाने के बाद में ठेके को कैसे शुरू करना है, एक तरह से ये इनका सवाल है। तो देखिए, पिकअप मान लीजिए अपने कोई से पिकअप लगाया चल रहे पैटर्न में, जैसे ये पैटर्न चल रहा है अपना। अब इसमें अपने कोई से पिकअप लगाना, उसके बाद में ठेका कैसे स्टार्ट होगा, पिकअप लगा दे। अब जैसे मैंने पैटर्न को स्टार्ट करा है इसके बारे में ये पूछ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स का ये क्वेश्चन भी रहा हो। तो देखिए, ये दिन दिन, अब जब इसके सम आया है एक तरह से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। अपने को करना कुछ भी नहीं, सिर्फ धीटे धीता जो अपन बजाते हैं, जैसे ठेका अपन कौन सा बजाते हैं, धीटे धीता धीटे धीता धीटे धीता धीटे धीता धीटे धीता धीटे धीता, ये बजाते हैं। इसके बोल क्या होते हैं, धीटे धीता, ठीक है। तो धीटे धीता की जगह आपको धीटे तीता कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जब आप बेस खुला बजाओगे तो उसका वाइब्रेशन थोड़ी देर तक रहेगा, कैसे, धीटे तीता धीटे धीता ऐसा करके, धीटे तीता धीटे धीता। और शुरुआत में थाप लगा देना, जब आप छल्ला शुरू वाला बजाते हो ना, तो धी वाला इसकी जगह आप थाप लगा देना, तो धीटे तीता धीटे धीता। बाकी चाटी साइड से वैसे ही चलेगा जैसे हमेशा अपन पैटर्न में चलाते हैं, ठीक है। तब दिन तेरे ठीक है, सिर्फ अपने को धीता की जगह तीता कर देना है, ठीक है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके बोल भी मिल जाएंगे। अब इसी कमेंट में जो इनका सेकंड वाला क्वेश्चन था, वो सेकंड वाला क्वेश्चन अब देखिए कि जब पैटर्नों को अपन ता लगाकर चेंज करते हैं तो जो ता वर्ड लगाते हैं वो पैटर्न की कौन सी मात्रा पे लगना चाहिए, ठीक है। जैसे अपन मान लीजिए 1 2 3 4, अपन इस बीट में अगर अपन पैटर्नों को बजाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, तो ये पूछ रहे हैं कि 1 2 3 4 जो काउंटिंग चलती है उसके कौन से काउंट नंबर पर अपने को ये ता वर्ड लगाना है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दो, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रिलेटेड ऐसे लेसन मिलते रहेंगे। और आप मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चन भी बता सकते हैं, 100% आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और गाइस इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर देना, क्योंकि जितने मेरे लाइव प्रोग्राम्स होते हैं सब आपको इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, चैनल भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर मुझे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मेरे लाइव प्रोग्राम्स में से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए, इसका अगर इजीली मैं आपको जवाब दूं तो इसका जवाब यही होगा कि 4 नंबर पर आपको ता लगाना है। लेकिन इसके लिए जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इसके लिए एक छोटी मैं आपको प्रैक्टिस भी दे देता हूँ जिससे आप आसानी से ता लगाकर पैटर्न को चेंज कर पाओगे। तो पहले देखिए, 4th नंबर के काउंट पर कैसे आपको इसको लगाना है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसको इजीली अपने को सीखना है तो इसके लिए एक छोटा सा पैटर्न आपको बजाना होगा, धिट धीता धिट धीता धिट धीता धिट ता धिट धीता धिट धीता धिट धीता धिट ता धिट धीता धिट धीता धिट धीता धिट ता, बोल देख लीजिए, धिट धीता धिट धीता धिट धीता धिट ता, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा आपको टफ नहीं लगेगा ये। फिर से देखिए, धिट धीता धिट धीता धिट धीता धिट ता धिट धीता धिट धीता धिट धीता धिट ता, इसको बोलने की कोशिश करोगे ना आप तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ता आपको कहाँ पर लगाना है। अब देखिए, इसको मैं आपको एक बार बजा के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, धिट धीता धिट धीता धिट धीता धिट ता धिट धीता धिट धीता धिट धीता धिट ता,
इसमें करना नहीं कुछ भी नहीं अपने को, देखिए धीटे धीता तीटे धीता इतना आपको बजाना आता है शुरुआत का, फिर अपने को जो पैटर्न चेंज होगा वो धीटे धीता तीटे ता, सिर्फ ये आपको चेंज करना है। तो देखिए एक बार मैं और आपको बजा के दिखा देता हूँ, ये धीटे धीता तीटे धीता धीटे धीता तीटे ता धीटे धीता, जैसे ता में बजा रहा हूँ ता में पूरे हाथ से लगा रहा हूँ इस तरह से, आप चाहे तो पूरे हाथ से भी लगा सकते हैं या फिर आप सिंगल ता का भी यूज करेंगे तो आसानी से बज जाएगा। फिर से देखिए धीटे धीता तीटे धीता धीटे धीता तीटे ता धीटे धीता तीटे धीता धीटे धीता तीटे ता। अब एक्चुअल में जो पैटर्न ने बजाया ना इसके अंदर आपको ता वाला भी वर्ड आ गया है। अब देखिए अपन जो पैटर्न इसके बाद चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए जो वर्ड होगा वो होगा तिटता एंड का, धिटे धिन्ना तिटे धिता धिटे धिता तिटता, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब जो सेकंड वाला सवाल है वो है हमारे नाजिर भाई का, अब वो देखिए नाजिर भाई क्या बोलते हैं कि छल्ले के बारे में कितना बड़ा और किस धातु का और इसकी प्रॉपर जगह के बारे में जानकारी भी बताना अगर संभव हो तो। अब इनका जो सीधे से सवाल का जो मतलब है वो बता देता हूं मैं आपको, कि ये पूछना चाह रहे हैं कि छल्ला कितना बड़ा होना चाहिए, कौन से मेटल का होना चाहिए और उसके बाद में इसको बजाने की प्रॉपर जगह क्या होती है। तो गाइस अगर आसान भाषा में आपको मैं बताऊं तो कितना बड़ा छल्ला होना चाहिए, देखिए इतना बड़ा कि आप जब इसको अपने उंगली में पहनोगे तो ये आपको ज्यादा टाइट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा इतना भी टाइट नहीं कि आपकी उंगली में आपको दर्द होने लग जाए, और इतना भी ढीला आपको नहीं लेना है कि आप जब हाथ को अपने इस तरह से हिलाओ तो ये छल्ला आपको ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। और अगर चौड़े की अपन बात करें कि कितना आपको चौड़ा इस छल्ले को लेना है, तो देखिए इतना ही चौड़ा होना चाहिए कि आप देखते होंगे आपकी चींटी उंगली में दो लाइन होती है इस तरह की, तो ये लाइन ढक जाए इतना ही चौड़ा सिर्फ आपका छल्ला होना चाहिए, इससे ज्यादा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मेटल की बात मैं आपको बताता हूँ कौन से मेटल का होना चाहिए। तो देखिए दो मेटल का आप छल्ला बिल्कुल भी मत लेना, एक तो लोहे का छल्ला नहीं लेना है आपको और एक पीतल का छल्ला नहीं लेना, इन दोनों का साउंड मेरे ख्याल से बहुत बुरा होता है। और अगर बिल्कुल सही अगर मेटल की मैं बात करूं तो आप चांदी का छल्ला ले सकते हैं, आप तांबे का छल्ला ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जो छल्ला पहन रखा है ये छल्ला स्टेनलेस स्टील का है, जो कि मेटल बहुत अच्छा मेरे को लगा। वैसे सारे छल्ले इस मेटल के अच्छे नहीं होते लेकिन इस वाले छल्ले का साउंड बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लेना चाहें तो आप बिल्कुल तांबे का ले सकते हैं और चांदी का भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चांदी का छल्ला आपको ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। अब जो इसकी प्रॉपर जगह होती है, अब जगह दो तरह से हो सकता है पूछ रहे हो, तो जगह इसकी जो है इसको पहनने की जगह मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो लाइन होती है दो लाइन मैंने आपको बताई, जिसमें सेकंड वाली लाइन पर आपको इसको यहाँ पर पहनना है, ठीक है, इससे नीचे भी नहीं और इससे ऊपर भी नहीं। अब उसके बाद में फिर जहाँ इसको बजाने की जो जगह होती है वो जगह होती है, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो दो रस्सी होती है, ठीक है, इन दो रस्सी के बीच में आपको इसको यहाँ बजाना है, ठीक है। स्किन पर नहीं बजाना है आपको, ये यहाँ पर गजर पे बजाना है, इन दोनों के बीच में इस जगह पर, ठीक है। और जब आप इसको बजाओगे तो किस जगह पर आपको इसको हाथ रखना है, देखिए आप बहुत सारे इस जगह पर नीचे बिल्कुल यहाँ पर हाथ रख लेते हैं, नीचे छल्ला बजाते हैं, आपको यहाँ ऊपर बजाना है इस जगह पर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नाजिर भाई को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगला सवाल किनका है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अगला सवाल है हमारे रिदम लवर जी का, तो ये पूछते हैं कि भैया नमस्ते। तो नमस्ते जी, मैं नई ढोलक लेना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं नक्काशी वाली ढोलक लूँ और बिल्कुल आपकी जैसी चाहिए रस्सी में। और सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं कौन सी ढोलक लूँ, नक्काशी वाली सही रहेगी या बिल्कुल नॉर्मल जैसी आपकी है, और नक्काशी वाली में कुछ खास बात होती है क्या, प्लीज आप मेरा क्वेश्चन पिक कर दीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया है। तो इनका जो सवाल है सीधा से मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये एक नई ढोलक लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनको नक्काशी वाली ढोलक लेनी है, जो इसके ऊपर नक्काशी होती है लकड़ी में ढोलक की, तो वो वाली ढोलक ये लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बिल्कुल मेरे जैसी ढोलक हो वो, तो और रस्सी में भी ये ढोलक चाहते हैं। तो देखिए एक मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एक कंडीशन होती है जो कि कुछ ऐसी बात नहीं है, देखिए कि इसमें टोन में कुछ अंतर होता है। ये पूछ रहे हैं कि इनके टोन में कुछ अंतर होता है, तो टोन में बिल्कुल भी कुछ अंतर नहीं होता है। देखिए दोनों, ये वाले ढोलक भी आप लोगे और वो वाले ढोलक भी आप लोगे, तो दोनों का टोन बिल्कुल सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। आपको कभी भी ढोलक लुक वाइज नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा उसका टोन देख के ढोलक को लेना चाहिए। अब देखिए नक्काशी वाली ढोलक में आपको एक कंडीशन जो होती है मैं बता देता हूँ। नक्काशी वाली ढोलक अगर आप रस्सी में बनवाते हैं, ठीक है, क्योंकि रस्सी वाली ढोलक का टोन अच्छा होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो नक्काशी वाली ढोलक अगर आप रस्सी में बनवाएंगे तो ये जो रस्सी वाली जो ढोलक होती है इसमें छल्ले नीचे उतारने पड़ते हैं, आपको खुद को पता है ये बात। तो देखिए अब इसमें जब बीच में नक्काशी हो जाती है, इस जगह पर अगर इसमें नक्काशी हो जाएगी तो छल्ले को नीचे लाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है।
पूरे अगर ढोलक में नक्काशी होगी तो छल्ला नीचे बहुत मुश्किल से आएगा, क्योंकि मैंने एक बार नक्काशी वाली ढोलक बहुत पहले ली थी जब मुझे इस बात का नॉलेज नहीं था। तो जब मैं छल्ले को नीचे करता था तो जो नक्काशी होती थी वो छल्ले में अड़ जाती थी और उसकी वजह से ढोलक घिस जाती थी, नक्काशी भी घिस जाती थी, बहुत बुरी लगती थी वो ढोलक। अब इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, देखिए अभी फिलहाल में नक्काशी वाली ढोलक थोड़ी इस तरह की भी आ रही है कि जब छल्ले वाला ये जो पोर्शन होता है, ये वाला ये जो देख रहे हैं आप, इस जगह पर बिल्कुल सीधी बिना नक्काशी वाली वो एक लाइन दे देते हैं जिससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है नक्काशी के ऊपर। ये यहाँ पर इस जगह पर बीच में नक्काशी होती है, यहाँ पर नक्काशी होती है, लेकिन ये जो रस्सी होती है यहाँ पर आपको नक्काशी नहीं मिलेगी। तो अगर आप नक्काशी वाली ढोलक लेना चाहते हो तो आप ये वाली ढोलक ले सकते हो जिसमें यहाँ पर इस जगह पर नक्काशी ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। जो रस्सी होती है इसके नीचे बिल्कुल भी नक्काशी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए इस जगह से, ताकि छल्ला आपका आराम से नीचे आ पाए। बाकी नक्काशी वाली ढोलक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और टोन का भी कोई अंतर नहीं आता इस वाली ढोलक में और नक्काशी वाली ढोलक में, वो सिर्फ एक लुक में अच्छी लगती है आपको, बाकी मुझे साधारण ढोलक ही अच्छी लगती है। और इसके नीचे इन्होंने एक और कमेंट किया था कि आप मुझे शॉप सजेस्ट कर दीजिए, तो देखिए शॉप तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप मैंने आपको कोई शॉप सजेस्ट की और आप वहाँ पर ढोलक लेने भी चले गए और वहाँ से अगर आपने अच्छी ढोलक नहीं ली तो आप फिर ये बोलो कि मैंने आपको अच्छी ढोलक नहीं दिलवाई या फिर अच्छी शॉप मैंने आपको सजेस्ट नहीं की। तो सीधी सी मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आप नक्काशी भी मत देखो, आप प्लेन ढोलक भी मत देखो, आप सिर्फ देखो तो ढोलक का टोन, आपको टोन उसका जमना चाहिए, बाकी कोई मैटर नहीं होता। लुक का लुक तो अपन बाद में भी उसका अच्छा करवा सकते हैं, ठीक है। तो रिदम लवर जी, हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो, और आप में जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके मन में भी कभी ढोलक जब आप लेने जाएं तो आपके मन में सवाल आया होगा कि नक्काशी वाली ढोलक ले या फिर प्लेन ढोलक ले। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आपको इसी तरह से डिसीजन लेना है ढोलक का कि सिर्फ टोन देखना है, लुक नहीं देखना है, ठीक है। साइज देखिए आपको साइज कौन सा सही लग रहा है, उसके बाद में फिर अगर लुक है तो आप इस ढोलक के ऊपर भी अभी मैं चाहूँ तो नक्काशी हो सकती है। तो ठीक है गाइस, कभी भी आप ढोलक लेने जाएं तो कभी भी नक्काशी को ना देखें, सिर्फ हमेशा देखें तो सिर्फ टोन को, ढोलक का टोन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही चीज ज्यादा मैटर करती है, ये लुक वगैरह कोई इतना मैटर नहीं करता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो नीचे हैशटैग अभय करके अपना क्वेश्चन लिखिए, हो सकता है अगले संडे को आपका सवाल भी पिक हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।